वेलकम बैक जीना इसी का नाम है मैं बातें हो रही हैं सौरभ शुक्ला साहब से सौरभ साहब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि तरतीब वार चलते हैं लेकिन आपके चाहने वालों की आ, भीड़ में कुछ दो चार लोग ऐसे हैं जो मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं बहसीत कलाकार के तो मैं अपनी लालच भी थोड़ी पूरी कर लूँ जल्दी जल्दी उनको बुला लूँगा हाँ मैं ब, उनको बुलाता पहले प्लीज़ आइए भादा भादा मकरन आ, सर आप तो दूले हैं तो आप यहाँ आ जाइए सर आ, दूले राजा को जी आप पहली बार कब मिले थे सत्य के सेट पर उन दिनों में होता था राम गोपाल वर्मा हमारे जो दिग्गज निर्देशक है वो हर एक्टर को साइड में लेके जाते थे तो मैंने उससे आके पूछा कि ये वाकई में एक्टर है या कल्लू मामा है कौन है

लेकिन आप तो मुंबई के हैं नहीं अब हो गए हैं जी तो ये ज़बान की जो सच्चाई थी उन कैरेक्टर्स की वो आप कहाँ से लाए थे पहली चीज़ कि जिस तरीके से मैं लिखता हूँ स्पेशली फिल्म राइटिंग के लिए ये बात अप्लाई होती है क्योंकि राइटिंग राइटर अपनी अपनी ज़बान को लिखता है और उसके बाद जब वो एक्टर के पास जाता है तो वो अपने तरीके से उसे चेंज करता है बिकॉज ही हैज़ टू रीलिव द होल कैरेक्टर सत्या में भी यही हुआ था थोड़ा बहुत नॉलेज था लैंग्वेज का लेकिन वो रिफाइंड नुआंसेज uh, नहीं थे उसके अंदर mm. लेकिन थैंक्स टू ऑल दीज एक्टर्स बिकॉज सत्या में बहुत बड़ा हाथ एक्टर्स का रहा है इवन इन स्क्रिप्ट दे हैव इम्प्रोवाइज अ लॉट दे हैव गिवन द लैंग्वेज टू द होल फिल्म सो यस डेफिनेटली द राइटर्स रोड द फिल्म उन्होंने उसका उसका कंस्ट्रक्शन किया उसका

कि ये इसी है भैया देख तुम आ गया मूल्य आ जाता है वहां से ये होता है बिकू ये बोल देता है और फिर तुम ये, 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 ये बोल देते हो समझ गए ना तो अब समझ तो गया आदमी अब किसने कहा है कि भैया स्क्रिप्ट भी लाओ नहीं 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 तू समझ गया ना बस यही है तेरे को बोलना है ये और भैया अब आप जो समझे हो आप बोल रहे हो इसमें uh, मेरा एक uh, थिएटर में मुझे एक लेसन दिया गया था और ये बात मैंने हमेशा एज एन एक्टर भी फॉलो की उसमें हमेशा ये कहा गया था कि कभी नेवर मग द लाइन्स कभी भी लाइन्स याद मत करो अंडरस्टैंड द लाइन्स सो इफ यू यू अंडरस्टैंड द लाइंस देन डोंट हैव टू रिमेंबर इट एक एक इंटरेस्टिंग बात जो जो लोगों को शायद पता ना हो मकरन साहब बहुत काबिल डायरेक्टर भी हैं उन्होंने इनको डायरेक्ट भी किया हुआ है सर वो कस्ता हमको सुनाइए कल्लू मामा को स्टेज पर कौन नहीं देखना चाहता है तो मैंने इनसे सिर्फ कहा कि भैया क्योंकि आप बोलते हो मुझे पहला आदमी मिला है जो मेरे से ज्यादा बोलता है तो मेरे कहानी में ऐसा ही कुछ था नाटक में कि कैरेक्टर आता है और वो ऑडियंस से बात करता है अब बाद में पता चलता है ये झूठ कहानी बता रहा है तो मैंने कहा ये झूठ और स... <laughs> एक, <ही laughs> एक ही एक्टर है एंड द बेस्ट पार्ट जस्ट टू हिम